ने एक कॉम्प्लेक्स में चल रहे कॉल सेंटर पर छापा मारकर 3 युवतियों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया। कॉल सेंटर में इंटरनेट कॉलिंग की मदद से अमेरिकी नागरिकों को डरा धमका कर ठगा जा रहा था। राजस्थान के आबू रोड निवासी एक युवक को छोड़कर बाकी सब आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं, जो सभी 14-15 हजार में उदयपुर में जॉब करते थे। ये सभी युवक युवतियां मुंबई में बैठे मास्टरमाइंड के भेजे गए नंबर पर मैसेज और कॉल कर लोगों को डरा धमका कर वसूली कर रहे थे। गोवर्धन विलास थानाधिकारी चैन सिंह ने बताया कि देर रात वे गश्त पर थे, अंबर कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ युवक युवती घूमते नजर आए। पुलिस ने उन पर निगरानी रखकर कॉम्प्लेक्स में जाकर चेक किया तो एक हॉल में कॉल सेंटर चल रहा था। कंप्यूटर चालू कर सभी लोग फोन पर बात कर रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि सभी लोग 14-15 हजार प्रति माह की सैलरी में इस कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। मुंबई निवासी मास्टरमाइंड जीवन वानखेड़े के इशारे पर आबू रोड निवासी तरुण मिश्रा ये कॉल सेंटर चला रहा था। जीवन रोजाना अमेरिकी नागरिकों का डाटा भेजता और उसके बाद ये युवक युवतियां उन्हें मैसेज और कॉल कर डरा कर वसूली करते। थानाधिकारी सिंह ने बताया कि पहले आरोपी अमेरिकी नागरिकों को मैसेज और कॉलिंग करते, फिर उन्हें कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट का हवाला देकर ऑर्डर पेंडिंग होने की बात कहते, ऑर्डर नहीं निपटाने पर उनकी सियाह खराब करने की धमकी देते, अपने किसी अन्य साथी को लीगल टीम का मेंबर बताकर बात करवाते, वो भी कानूनी कार्रवाई और कोर्ट में केस की धमकी देता। इसके बाद फाइनल सेटलमेंट के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से वसूली की जाती। अमेरिकी नागरिकों से 100 या 200 डॉलर बिटकॉइन के रूप में मास्टरमाइंड जीवन के खाते में मंगवाए जाते। पुलिस ने सेंटर से 11 कंप्यूटर भी जब्त किए हैं। मुख्य आरोपी जीवन की गिरफ्तारी के बाद ही यह पता चल सकेगा कि कहीं देश में और भी कहीं ऐसे कॉल सेंटर का संचालन तो नहीं किया जा रहा था। पूछताछ में सामने आया है कि रोजाना इस सेंटर से करीब 1.5 लाख से 2 लाख का ट्रांजेक्शन होता था। सेंटर पर काम करने वाले कई लोग तो मुख्य संचालक का नाम तक नहीं जानते हैं, तरुण ही इनसे काम करवाता था। दरअसल अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने के पीछे वहाँ के ज्यादातर लोगों का ऑनलाइन अकाउंट होना और डिजिटल ट्रांजेक्शन पर ज्यादा भरोसा करना भी है। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है। मामले की जांच नई थानाधिकारी साबिर खान को सौंपी गई है। पुलिस की एक टीम जल्द ही मास्टरमाइंड जीवन वानखेड़े की गिरफ्तारी के लिए मुंबई जा सकती है। अगस्त 2021 में अंबामाता थाना पुलिस ने लोहेरा क्षेत्र में एक होटल में दबिश देकर कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया था। उस दौरान 2 युवतियों सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सैकड़ों अमरीकियों से करोड़ों डॉलर ठग चुके थे। अप्रैल 2019 में भोपालपुरा पुलिस ने बीएन कॉलेज के सामने एक सेंटर से 24 लोगों को पकड़ा था। वे सभी पूर्वोत्तर के रहने वाले थे। ये आरोपी अमेरिका के सामाजिक सुरक्षा प्रशासनिक विभाग के अधिकारी बनकर टैक्स पे कार्ड अपडेट करने के नाम पर वसूल करते थे।